एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, अभी बजे हैं मॉर्निंग के 10:30 और मैं हो गई हूँ रेडी। मुझे जाना है बच्चों के स्कूल नोटबुक्स कलेक्ट करने के लिए। जो हम दे के आए थे नोटबुक्स वो चेक हो गई हैं, अब उन्होंने आज का टाइम दिया है। तो बड़ी वाली मेरी बेटी का जो टाइम मिला है हमें वो आज मॉर्निंग का 11 बजे का मिला है। तो अभी 10:30 बजे हम निकलेंगे, तो फिर वहां जाके नोटबुक्स लेके फटाफट से आते हैं। तो घर का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, नाश्ता हमने कर लिया है, सब कुछ डन है, बस अब फटाफट से जाएंगे और फटाफट से आएंगे। तो मिलते हैं आपसे आने के बाद। तो स्कूल से हम अभी आ गए थे, तो आने के बाद हमने चेंज वगैरह कर लिया है और नहा लिया है मैंने भी। और मेरी बेटी बड़ी वाली गई थी, तो छोटी वाली तो यहाँ पे है नहीं। मैंने बताया था आपको कि वो अपनी मासी के घर गई है रहने के लिए, 2-4 दिन में आ जाएगी। तो अभी हम दोनों ही हैं घर पे। तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना बाहर, 11 बजे का टाइम मैंने आपको बताया था कि 11 बजे का टाइम दिया, तो वापस आते आते अभी हो गए हैं 12:30 बजे हम पहुंच गए थे यहाँ पे। और आने के बाद फिर हमने फटाफट से नहाया धोया और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, सैनिटाइज करा पूरा सब कुछ प्रॉपर करने के बाद। तो अभी फ्री हुई हूँ, अब सोच रहे हैं कि क्या बनाएं क्या खाएं, और कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना बाहर, बुरी हालत ख़राब हो गई। और आज और कल कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, उससे पहले मौसम ठीक था क्योंकि 2-3 दिन बारिश हुई, अच्छा तूफान वगैरह आया तो मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन कल रात से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज तो इतनी सड़ी धूप थी ना, सड़ी वाली कि क्या बताऊँ, तो पूरा झुलस गए हम। तो अभी मैं सोच रही हूँ रूह अफ़ज़ा डाल के दूध का शेक बनाती हूँ, और दूध पड़ा हुआ है ठंडा फ्रिज में, सुबह मैं रख के गई थी, तो वो बनाती हूँ। साथ में थोड़ा सा केक पड़ा हुआ है वो खा लेते हैं, देन उसके बाद लंच का देखेंगे। थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई है और कल का थोड़ा सा पड़ा हुआ है कुछ, वो सब देख लेंगे फिर मैनेज कर लेंगे। अभी कुछ ठंडा खाने का मन करा तो फटाफट से मैं क्विकली बनाती हूँ रूह अफ़ज़ा डाल के मिल्क शेक बनाती हूँ, और साथ में खाएंगे केक और देखते हैं फिर। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं और फटाफट से पीते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक, वो मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वो गर्मी की वजह से ना मेल्ट हो रहा था, तो वो टिक नहीं रहा था ग्लास पे। अदरवाइज़ इस तरीके से कर दिया जाए ना तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो बस वही करने के बाद अब रूह अफ़ज़ा मेरा बन गया है, वो मिल्क शेक बन गया है, बस उसको मैं डालूँगी और हम दोनों पी लेंगे रूह अफ़ज़ा, और देन फिर बाकी के काम करते हैं। ये थोड़ा सा चॉकलेट केक पड़ा हुआ था साथ में, तो हमने वो ले लिया है। और फिर बाद में पहले ले तो लिया, फिर बाद में मुझे लगा कि दोनों चीज़ें मीठी मीठी अच्छी नहीं लग रही, देन फिर मैंने तो नहीं खाया, लेकिन आद्या ने खा लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने सिर्फ शेक पिया, और बस वही पीने के बाद उसके बाद मैं तो सो गई। वो यहाँ पे आज स्कूल से आते हुए हम लेके आए थे OES, तो वही मैं खा रही हूँ। शेक वगैरह पीने के बाद उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, और जो भी कल रात का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर था वही हमने लंच में कर लिया था। तो अभी मैं उठी हूँ, अभी शाम का टाइम हो गया है, अभी मुझे मशीन लगानी है कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि सुबह फटाफट से काम वगैरह करके लंच वगैरह करके हम चले गए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अब गर्मियाँ तो हैं, कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है अभी से लगा के रखने की। फिर मैं मेरे आते तक वॉश तो हो जाते, लेकिन फिर धूप इतनी ज़्यादा थी ना फिर सुखाने, वो मैंने सोचा चलो शाम को वॉश कर लूँगी। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ मशीन में कपड़े लगाने, देन
कपड़े धुल जाएंगे फिर डाल दूंगी, जल्दी सूख जाते हैं, आप तो कोई टेंशन ही नहीं। तो मशीन लगा के मैं आ गई हूँ, अब डिनर बनाना है। डिनर में आज बनाऊंगी मैक्रोनी, और वो जो अपना इंडियन स्टाइल वाली मैक्रोनी होती है वही बनाऊंगी। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, इसीलिए थोड़ा सा मेरे पास टाइम था। तो आज ना थोड़ा सा लो सा फील हो रहा है, पता नहीं धूप में गए आए एकदम से ना एनर्जी नहीं है। तो वही फिर डिसाइड यही हुआ म्यूचुअली कि मैक्रोनी बनाई जाएगी, तो बस वही बनाऊंगी। और सब्जी वगैरह भी कुछ खास थी नहीं, कैप्सिकम पड़ा हुआ है और मटर है एक, और बस हाँ यही दो चीज़ें हैं। तो थोड़ा बहुत प्याज वगैरह मिक्स करके ऐसे कुछ बना लूँगी। तो अभी मुझे मैसेज आया है, अभी मैंने मैसेज देखा तो मैसेज आया हुआ था कि आज बड़ी वाली बेटी का बुक्स नोटबुक्स हम लेने गए थे, अब कल छोटी वाली की जाना है। एक दिन में दो, अब कल फिर जाऊँगी धूप में। खैर उसका तो मॉर्निंग का टाइम मिला है, जो मॉर्निंग का उसका मिला है 8 बजे का टाइम। तो बड़ी वाली, खैर पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसका नाम है आराध्या और बड़ी वाली का नाम है आध्या। तो छोटी वाली बड़ी वाली कन्फ्यूजन, मुझे बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो मैं आध्या आराध्या ही बोलूँगी। तो आराध्या का टाइम मिला है कल का 8 बजे का, तो फिर मॉर्निंग में मुझे वहाँ पर भी निकलना पड़ेगा। तो उसका तो कोई इतना है नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में है, फटाफट जाऊँगी, फटाफट आ जाऊँगी, उसके बाद आके घर के सारे काम मैनेज हो जाएंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। और बस अभी मैसेज यही आया, मैं कहा ले आज एक का गई, अब कल दूसरी का जाऊंगी। एक्चुअली बात पता क्या होती है, जाने आने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जाना और बस नोटबुक्स लेके आना है, लेकिन घर से निकलना, अपना सारा जो अपना स्केड्यूल होता है, बिजी जो हमारा मॉर्निंग से मॉर्निंग का रूटीन होता है, उस सबको छोड़ के निकलना, देन फिर आके वो सारा काम करना ना, तो वो थोड़ा सा हिल जाता है अपना सिस्टम। बस ये है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है, वो तो जा आ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। आज मैं बहुत मतलब बात वगैरह कम ही करती हूँ व्लॉग्स में, इतना अभी हैप्चुअल हूँ नहीं। तो बाकी अभी डिनर का तो बस वही मैंने आपको बताया, मैक्रोनी ही बनाऊँगी। तो अभी कपड़े वगैरह वॉश हो रहे हैं, बाकी ऐसा सच कुछ काम है नहीं अभी, और मेरे को करने का मन भी नहीं है आज, क्योंकि एनर्जी एकदम से लो सी लग रही है, एनर्जी है नहीं मेरे में आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, दूर मतलब जाने आने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और खुद से मैं स्कूटर में गई थी, एक्टिवा में खुद से ड्राइव करके, और धूप आपको पता है कितनी लगती है, इस वजह से थोड़ा सा फील हो रहा है। अदरवाइज़ तो स्कूल में तो कोई काम नहीं था, हार्डली हमें 5 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, हम गए सीधा क्लास में, बुक्स ली, मैम से थोड़ी सी बात की, 5 to 7 मिनट्स लगे होंगे, इतने में हम वापस आ गए। सिर्फ जो टाइम लगा है वो आने और जाने में ही लगा है। तो बस यही है अभी, ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी बच्चों की समर वेकेशन चल रही है, तो काम वगैरह सोच तो रही हूँ कि देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक दो दिन नानी घर जाएंगे, अब देखें क्या सिचुएशन बनती है, कैसा सिस्टम आता है। आपसे बात कर रही हूँ ना, फैन बंद किया हुआ है, इतना पसीना आ रहा है। तो चलिए देन फिर आपसे मिलूंगी मैं, जब मैक्रोनी बनाऊंगी तब मिलूंगी आपके साथ, रेसिपी शेयर करूंगी। और आप मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं आइडिया डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टा का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करिए करा कीजिए। तो बस चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ मैक्रोनी बनाने की तैयारी। तो पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और साथ में मैंने डाल दिया है नमक 1 चम्मच के करीब, और एक बड़ा बाउल भर के मैंने डाल दी है मैक्रोनी बॉईल होने के लिए। और इधर दूसरी तरफ मैं भी लगाऊंगी तड़का, ये प्रॉपर टोटली इंडियन स्टाइल मैक्रोनी है, और कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, हमारे घर में इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाल दिया है ऑयल, सरसों का तेल डाला है, और साथ में जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा वैसे ही मैं, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, कोई ना किसी ना किसी ने तो आना ही होता ना बीच में,
तो इसके बाद मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में डाल दिया है मैंने जीरा और थोड़ा सा हींग डाला है, और इसके साथ ही मैं प्याज और आलू मैंने कट करके रखे हुए थे, प्याज मैंने जूलियन में कट करे हैं और आलू मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करे हैं, तो इन दोनों को मैं डाल दूँगी। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से पकाऊँगी और दूसरी तरफ मैक्रोनी को भी मैं चेक करती जा रही हूँ, और उसके बाद इन दोनों को तब तक पकाना है जब तक कि आलू गल ना जाए, और साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम और मटर। तो जो मटर है मेरा वो फ्रोज़न मटर है, इसीलिए फिर उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको मैंने बॉईल करके हल्के से गर्म पानी में बॉईल करके रख लिया है साइड में। तो यहाँ पे आलू प्याज मेरा मैं चेक कर रही हूँ कि हुआ कि नहीं, थोड़ी देर ढक कर के मैंने पका लिया था, तो उधर मैकरोनी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो ये मैं देख रही हूँ कि आलू गल गया है या नहीं, देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी मसाले वगैरह। तो ये देखिए मैकरोनी मेरी हो चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा करके देख रही हूँ, तो ये डन है। तो इसको मैं गैस बंद करके अब इस मैकरोनी को ठंडे पानी से निकाल लूँगी। तो इधर मेरा आलू वगैरह गल गया था, तो नमक मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें ताकि प्याज ज़्यादा गले ना और पक भी जाए और आलू पक जाए। तो इसमें मैंने डाला है वही हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, तो ये सारे मसाले डाल के एक बार मिक्स कर दूँगी मैं अच्छे से। तो मतलब ज़्यादा कुछ एडिशनल कुछ भी नहीं डाला है, नॉर्मली जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं ना टोटली इंडियन स्टाइल है, बस आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कैप्सिकम और मटर, तो इनको तो कैप्सिकम को तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसको तो थोड़े टाइम में ही वो अपने आप पक जाता है। तो मटर मेरा फ्रोज़न है इसीलिए उसको भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जब तक पकेगा तब तक मैं अपनी मैकरोनी को ठंडे पानी में से निकाल लूँगी अच्छे से। और देन बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है ये, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना होता। तो ये ना आप पराठा रोटी इनके सबके साथ भी खा सकते हैं एज अ सब्ज़ी, अगर इसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा ऐड करके इसको बना लिया जाए ना तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है और बच्चों को भी पसंद आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैकरोनी सिर्फ जो जिस स्टाइल में बनती है उस स्टाइल में, इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, मैंने बहुत सारों को देखा है ऐसे बनाते और खाते हुए, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसी तरीके से। तो सब्ज़ी वगैरह मेरी हो गई है और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी मैकरोनी, और जैसे ही सब्ज़ी आपकी डन हो जाएगी ना तो उसी टाइम पे आप मैकरोनी डाल के इसको थोड़ी देर पका लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस जिसको नहीं भी आता ना वो भी ये बना सकता है, क्योंकि सब्ज़ी बनानी तो सबको ही आती है, सब्ज़ी बनाइए और लास्ट में मैकरोनी डाल दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बस इसको मैं मिक्स करूँगी और अच्छे से जब ये मेरे को लगेगा कि अच्छे से थोड़ी देर पकाना है, हार्डली 2 से 3 मिनट बस इसको ऐसे चलाते चलाते पका लीजिए, देन फिर ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, दोनों चीज़ें एक सार हो जाएं, देन उसके बाद ये मैकरोनी हमारी डन है, तब हम इसको कर लेंगे सर्व। तो मैंने एक बाउल में इसको निकाल लिया है और आप इसको सॉस के साथ खाएँ, और आप मतलब जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ खा सकते हैं, वैसे सॉस वगैरह के साथ कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर चीज़ भी डाल के खाएंगे वो भी अच्छा लगता है, चीज़ डाल लीजिए, सॉस डाल लीजिए, वो भी अच्छा लगता है, मतलब टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से खाना है। तो ये मेरी मैकरोनी रेडी है, रेसिपी अच्छी लगी है तो ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।